सत्संग जी, प्यार से कहना धन अहंकार जी। कार के आश्रय जितना ड्रीम लेंगे और जितना हम अपने मकसद की ओर जाना चाहेंगे, इसमें हमारी मेहनत की कोई कमी नहीं आए कि हमें अपना बेस्ट देना है, वी हैव टू गिव 100%। पर साथ ही वो अगर कार्य पूर्ण हो तो भी निरंकार की रजा, वो ना पूर्ण हो तो भी निरंकार की रजा, तो वही शुक्राना भाव कि हर स्थिति में ही बस दातार को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तो वहाँ इस लाइन में वही डिटैच्ड अटैचमेंट की बात हो रही है। हाँ जी, जिस दे दिल विच इको वसिया सब नू वेखे इक निगाह। तो जैसे अगर हम कोई लाल चश्मा पहन ले या किसी भी रंग का पहन ले तो हमें सब कुछ एक उस रंग का ही नजर आने लग जाता है, वो एक निगाह मिल जाती है कि फिर हमें अलग रंग नहीं दिख रहे, हमें वो एक ही रंग हर एक में दिख रहा है। हम फिर किसी को अगर इंसान को देख रहे हैं तो ये नहीं देख रहे कि इसका पहनावा कैसा है, ये कौन से स्टेट से आया है, कौन से देश से आया है, कौन सी जाति पाति, या कितना फाइनेंशियली अमीर या गरीब, या उस तरह के जो भी भेदभाव वाली बात आती है। कि फिर जब पता ही है कि ये एक नज़र का चश्मा कौन सा है, ये निरंकार का चश्मा, ये जब हमें हर एक में ही देख लिया निरंकार, तो सब हमारे लिए एक बराबर हैं। फिर वो ऊंच नीच के अपने मन से जो हमने दीवारें बनाई हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, हमारा नज़रिया एक समान, एक समदृष्टि वाली बात वो आ जाती है। और वही हम जब तक निरंकार को अपने जीवन में, अपने दिल में बसा के रखेंगे, तो हम अपने आप को ऐसी गलतियों से भी बचाएंगे जिसमें हम अपने आप को दूसरे से ज़्यादा श्रेष्ठ मान रहे हैं, या अपनी प्रेफरेंसेस को ऐसा मान रहे हैं कि वही ठीक हैं, दूसरों की ठीक नहीं है। हाँ जी, संत चरण दी धूड़ी छोके मंगता भी हो जांदा है शाह। तो इसमें आप संतों की जो महिमा है उसका बयान है कि कैसे अगर एक व्यक्ति का जीवन अगर डामाडोल है भी, तो जैसे ही उसने ये संतों का आसरा लिया, संतों का तो युगो युगो से यही काम रहा है कि हर एक को ठीक मार्ग पर डालना, अपने आप की पहचान कराने के लिए, ये ब्रह्म ज्ञान के लिए जिज्ञासुओं को वो एक इनकरेजमेंट देना, वो रास्ता बताना कि कैसे अपने आप की पहचान की जा सकती है। तो जैसे ही वो इतने महान संत जो सब हैं उनके अगर चरणों की धूली समान भी हम अपने अगर ले लेंगे, अपने मन में अपने आप को इतना निमर करके कि उनकी धूली भी हमारे लिए जीवन तारने वाली बात कर रही है, तो वही बात कि कैसे जिसने सत्संग का आसरा लिया, जिसने सुमिरन का आसरा लिया, जिसने सेवा करी, उसका जीवन तो फिर अपने आप ये निरंकार से जुड़ता जा रहा है, ये गहरा और होता जा रहा है। हाँ जी, जिसते दिल निरंकार दा वासा हुंदा नहीं ओ बेसबर। तो अब संसार में कोई भी स्थिति अगर उस व्यक्ति के आगे आती है, जब वो पक्की तरह ये मन में निरंकार का विश्वास कर चुका है, संगतों का संग कर चुका है, तो फिर वो अवस्था आ जाती है कि मन में किसी तरह की बेचैनी रही रहती, वो अपनी सहज अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है। तो हमें भी किस तरह वो सहज अवस्था में आना है, हमें बिल्कुल ऐसा कुछ भी ना मन में रखें जो बेचैनी दे, बेकरारी दे। तो वो कुछ भी हो, वही बात जो कुछ पंक्तियों पहले थी कि शुक्राने भाव में जब तक हम रहेंगे, ये अपने आप हम बहते चले जाएंगे इस निरंकार की बनाई हुई किसी भी अवस्था में, तो वही हमको बेकरारी, ये बेबसी, बेचैनी, ये सबसे दूर रखता है। क्योंकि एक गुरसिख कभी भी बेबस नहीं होता, ये गुरसिख की तो कभी भी किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं होती, हमेशा गुरसिख यही अपनी एक स्थिति मन की बना चुका होता है कि ये निरंकार का दिया हमको जीवन का हर पल है और ये एज इट इज़ ये सर आँखों पे। तो उसमें फिर अगर हमारे पसंद के हिसाब से भी कोई चीज़ नहीं हो रही तो भी उसको हम उस सिचुएशन में तंग नहीं होते। हाँ जी, कहे अवतार हर हाल दे अंदर करदा रब दा शुकर शुकर। तो ये शुक्राना भाव जो हमारे को रखना है हमारे अंदर हर समय, कि कोई भी सिचुएशन हो उसमें सिर्फ और सिर्फ यही याद रखते हुए कि हमारा इस समय ठीक है, हम कोई
अपनी परिस्थिति कोई सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज हो सकता है वो हम खुद हो सकते हैं, हमारे मन के भाव हो सकते हैं। तो वैसे वही बात कि हम हर स्थिति में ये अपना गुजारा ऐसा करें कि बस इससे अच्छी ये सिचुएशन नहीं। अगर कोई शरीर रूप में पीड़ा है, कोई आर्थिक रूप में पीड़ा है, किसी की गृहस्थी में कोई ऐसे लगता है, तो भी वो बात नहीं कि हमें उस पर ऐसे कहना है कि दातार तूने सबको तो ठीक ठाक बनाया, सिर्फ हमको ही ऐसा क्यों, या फिर कोई अपने शिकवे गिले उस तरह रखने। वो बेहतरी तो परमात्मा को ही पता है, जो हमारा रचनकार है, जो इतना हमको पल पल जिसको पता है कि हमारे लिए क्या सबसे ठीक है। तो वैसा ही हम अपना व्यवहार बनाते चले जाएं। तो दासी, और समय आपका नहीं लेना चाह रही है, बस यही बात कि अभी ये जो पंजाब टूर कर रहा और ये उस टूर की आखिरी कड़ी जलंधर में, इस तरह आप सबको देखकर वो जो भाव आ रहे हैं कि ये सत्संग को सत्संग की तरह ही किया जा रहा है, चाहे